तो हम ये फैकल्टी ऑफ फिशरीज से हैं, मैं यूनियन ऑफ फिशरीज स्टूडेंट्स का ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा ग्रेव वायलेशंस हो रहा है बेसिकली 2000 से 2017 तक अप्रोक्सीमेटली 150 रिक्रूटमेंट प्रमोशंस हुई हैं, जिसमें से अगर हम देखें नॉन गेजेटेड क्राइटेरिया में 50% एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए था, मगर वो 50% एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए एक वायलेशन है। और हम फैकल्टी ऑफ फिशरीज के प्रोफेशनल्स हैं कि हम चाहते हैं कि हमें ये फिशरी डिपार्टमेंट में अपनी जगह मिले, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत पेंडिंग है पर हमें वहाँ पर अपनी जगह नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि जो ये वायलेशन की है फिशरीज़ ने हमारे साथ, कि इस पर बात उठे, ये इशू हाईलाइट हो हमारे लिए। इस बारे में हम कंटिन्यूसली एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए हैं, हम डायरेक्टर के पास गए हैं कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा है कि आपका इशू जल्दी से हल हो जाएगा, पर ऐसी बात कंटिन्यूसली पिछले 8 साल से चल रही है। हमारा कॉलेज 2007 में एस्टेब्लिश हुआ है, हमारे पास आउट अप्रॉक्सीमेटली 300 से ऊपर हैं, पर अभी तक 5 या 6 टोटल एब्जॉर्ब हुए हैं डिपार्टमेंट में, तो अभी हमारे साथ ये हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है।